हेलो एवरीवन, मैं जाकिर हुसैन एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने सुजुकी एक्सेस 125 BA6 डिजिटल मीटर वाला ये वेरिएंट है। इसमें दो तरह के मीटर कंसोल आते हैं, एक नॉर्मल मीटर आता है, एक डिजिटल मीटर आता है। ये वाली आप जो गाड़ी देख रहे हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला वर्जन है। 2021 में ब्लूटूथ वाला वर्जन लॉन्च हुआ था, उसी का ये गाड़ी है। बहुत सारे मैकेनिक भाई के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि हम गाड़ी सर्विस तो कर लेते हैं, लेकिन सर्विस का जो इंटरवल है, नेक्स्ट सर्विस के लिए कैसे उसको रिसेट करना होता है, कैसे उसको रिमूव करना होता है। सर्विस करने के बाद ऑयल चेंज का जो इंडिकेटर बार बार डिस्प्ले करता है, तो कैसे आपको उसको हटा सकते हैं, वो छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कैमरा पास में ला के आपको दिखा देता हूँ कौन सी वाली मीटर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वाले मीटर की मैं बात कर रहा था आपसे, जो कि आप देख पा रहे हैं पूरा डिजिटल कंसोल बना हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाड़ी का ऑयल चेंज का जो इंटरवल होता है। सर्विस इसकी हम कर चुके हैं, ऑयल चेंज हो चुका है। हमेशा दोस्तों ध्यान रखें, मेरी जो वीडियो है वो टेक्निकल चीज़ों पे होती है, और आप मेरी वीडियो देख के कोई भी गलत काम ना करें। गलत काम का मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने मान लो ऑयल चेंज नहीं किया और गाड़ी का सर्विस ही नहीं हुआ है, और आपने डायरेक्ट ही उसको बिना सर्विस किए, बिना ऑयल चेंज किए अगर बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप अपनी गाड़ी का या कस्टमर की गाड़ी का बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगर आपने सर्विस कर दी है, ऑयल चेंज हो चुका है, तभी आप इस तरह से सर्विस का जो इंडिकेटर है उसको रिसेट करें या हटाएं। उसके लिए कुछ नहीं करना होगा। आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, दो बटन दे रखे हैं। एक बटन ऊपर वाला सेलेक्ट का बटन है, एक बटन सेलेक्ट का है, और दूसरा वाला मोड का बटन है। दो यहाँ पर स्विच दे रखे हैं ऊपर और नीचे की तरफ, सेलेक्ट और मोड। चाबी को आपको सिंपली ऑफ करना होता है। ऑफ करने के बाद जो सेलेक्ट वाला बटन है उसको आपको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपको चाबी को ऑन करना है दोस्तों। इस तरह से आप जब ऑन करेंगे, आप यहाँ पर इंडिकेटर देख पा रहे हैं ऑयल चेंज का, ये ब्लिंकिंग करना चालू हो चुका है, और ये अब दोस्तों बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अब ये नेक्स्ट सर्विस जो इसका इंटरवल है, उसके ऊपर जो इंटरवल इसमें सेट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये वापस से इंडिकेटर चालू होगा। आपको बताया गया गाड़ी का सर्विस का टाइम हो चुका है, आप गाड़ी में ऑयल चेंज करवाइए। दोस्तों डिपेंड करता है अपने ऊपर, आपने इसमें इंटरवल क्या सेट किया हुआ है। जैसे कि अपन इसके मोड चेंज करते हैं, तो ये आपका ट्रिप ए है, ये ट्रिप बी है, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी कितना आ रहा है इस टाइम पे, वो भी मीटर डिस्प्ले आपको शो करता है। उसके बाद एक्चुअल जो गाड़ी का ऑडियो रीडिंग है, मेन रीडिंग जो है वो है 2953 किलोमीटर के ऊपर सर्विस किया कस्टमर ने। चूँकि इसकी माइक्रोचिप के अंदर पहले से प्रोग्राम्ड माइक्रोचिप होती है, इसमें प्रोग्राम्ड फिक्स किया होता है कितने किलोमीटर पर आपको सर्विस है। अगर आपने इंटरवल को सेट कर दिया, तो उसी इंटरवल पर फिर से ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं टाइम इंडिकेटर भी दिया हुआ है ऊपर की तरफ। इस डिस्प्ले में टाइम इंडिकेटर शो करता है, साथ में जो उसका MIL का जो इग्निशन आइकॉन लाइट है, वो MIL की डिस्प्ले यहाँ पर आप दिखाई दे रही है आपको। एक इंडिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। कंप्लीट फ्यूल का जो लेवल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हमेशा ये BA6 गाड़ी है, इसका फ्यूल का लेवल डेढ़ से दो लीटर कम से कम होना ही चाहिए। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए, जो आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल से, वो उसका डिस्प्ले के अंदर शो करा दोस्तों। तो सिंपल सी एक जानकारी थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको दिए दोस्तों। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सर्विस के रिसेट या ऑयल चेंज का इंडिकेटर हटा रहे हैं, तो सर्विस होने के बाद या ऑयल चेंज होने के बाद ही हटाएं। बाकी आप इस तरह से अगर बिना सर्विस किए इसको हटाते हैं, तो ये गाड़ी के लिए बहुत बड़ा नुकसान जैसे हो सकता है, क्योंकि गाड़ी आपकी BA6 वाली गाड़ी है और बहुत ही अच्छी आपको उसको केयर करनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपका पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गैरेज गुरु जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव मेरे चैनल पर हमेशा आती रहती है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।